नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव कल रीवा में मतदान होना है, नगर पालिका निगम रीवा के लिए मतदान होना है, महापौर पद और पार्षद पदों के लिए मतदान होना है। लेकिन उससे ठीक पहले कल देर रात एक घटना हुई, वार्ड क्रमांक 15 में मारपीट हुई। आरोप ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी नीतू अशोक पटेल हैं, उनके पति अशोक पटेल झब्बू के साथ मारपीट की गई। हालात ये हैं, गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन ये पूरा वाकया किस तरह से हुआ पहले वो समझना बेहद ज़रूरी है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पूर्व पार्षद रामराज पटेल सहित उनके परिवार के लोग मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब बांट रहे थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को स्थान की सूचना देने पूर्व पार्षद व कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 15 के पति अशोक पटेल वहां पहुंचे। पुलिस से भी ज़्यादा संख्या में मौजूद वहां पर बदमाश मौजूद थे, ये पूर्व पार्षद अशोक पटेल का कहना है। वहां पर एक युवक को रोक लिया और लाठी डंडों व पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया गया। काफ़ी देर तक वो मारपीट करते रहे और अधमरा कर छोड़कर भाग निकले। जैसे घटना की जानकारी झब्बू के समर्थकों को हुई, वो भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद झब्बू को सिटी कोतवाली थाना शिकायत के लिए लाया गया। वहां से उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें SGMH रीवा रेफर कर दिया गया। झब्बू का उपचार किया जा रहा है, उनके साथ ये मारपीट की घटना हुई है, हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जब इस मामले की जानकारी कांग्रेसियों को हुई तो वो सब सिटी कोतवाली पहुंच गए, वहां कार्रवाई की मांग करने लगे। कांग्रेसियों की भीड़ से पूरा अस्पताल परिसर भरा रहा। महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा, कांग्रेस प्रत्याशी स्वतंत्र शर्मा, पूर्व पार्षद विनोद शर्मा सहित तमाम कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे। जिला कार्यकारी अध्यक्ष राकेश तिवारी भी वहां पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि अशोक पटेल पर हमला करने वाला मुख्य व्यक्ति रामराज पटेल भाजपा नेता हैं। अशोक पटेल की वार्ड में लोकप्रियता व पक्ष मजबूत देख उनमें बौखलाहट हो गई, ये कांग्रेसियों का कहना है। और पूर्व में भी उसके भतीजे द्वारा जो पुलिसकर्मी हैं, जान से मारने की धमकी दी गई, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ, आधा दर्जन की संख्या में बदमाशों ने अशोक पटेल को बेरहमी से पीटा, घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां से उनका अब उपचार जारी है, ये घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है। और मसला जो बताया जा रहा है वो ये है कि शराब बांट रहे थे, कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी के लोग शराब बांट रहे थे, जिसका इन्होंने विरोध किया, पार्षद प्रत्याशी के पति अशोक पटेल ने विरोध किया और उसके बाद विवाद बढ़ गया और फिर मारपीट की गई, बुरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल रीवा में मतदान है, मतदान के ठीक पहले वार्ड 15 की ये घटना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। और कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस को पता होने के बाद भी, सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और अब कांग्रेसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, FIR की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। कल रीवा में मतदान है और पूरी कोशिश होनी चाहिए प्रशासन की ओर से भी कि शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान संपन्न कराया जा सके। ऐसे तमाम असामाजिक तत्व जो किसी न किसी अलग तरीके से वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए पुलिस को भी तत्परता के साथ काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज ओकर भाई रमेश सुरेश ओकर भतीजे लड़का नितिन नितिन ओकर लड़का पथरामारी से कलम गैर नतारी ओकर भतीज गौरव पटेल जो पुलिस में है वह हमसे कही सके क्या भैया।